पिछले एपिसोड में हमने सुना कि आयुष डोडो और जादुई पोशाक की मदद से अनामिका से अपनी कालचक्र की किताब और कटार वापस लेकर वर्तमान में वाणी के पास आ जाता है। अब आगे, अगली सुबह आयुष की आंखें खुलती हैं तो उसके पास वाणी नहीं होती। आयुष पूरे कमरे में देखता है और फिर आवाज लगाता है, वाणी, वाणी, कहाँ हो? अरे बाबा क्या हुआ, किचन में हूँ मैं। वाणी किचन से आवाज देती है। आयुष उठकर किचन में जाता है जहाँ वाणी चाय बना रही होती है। आयुष उसे बड़े प्यार से देखता है और पीछे से वाणी को पकड़ लेता है। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है, वाणी चाय छानते हुए कहती है। आयुष वाणी के गालों पर किस करने लगता है और कहता है, क्या करूं, हमारी धर्मपत्नी है ही इतनी प्यारी, प्यार तो आएगा ही ना। वाणी चाय देते हुए कहती है, चलो हटो हटो, ज्यादा मस्का मत लगाओ, चाय पीकर तैयार होने जाओ वरना स्कूल जाने के लिए लेट हो जाओगे। फिर घर के बरामदे में बैठकर दोनों चाय पीते हैं। वाणी आसमान को देखते हुए कहती है, आयुष अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, देखो ना ये जगह कितनी सुंदर है, लगता है कि स्वर्ग जमीन पर उतर आया है, अब हम यहीं बस जाएंगे। लोग अभी बात नहीं करते लेकिन हम जब रहने लगेंगे तो वो भी बात करने लगेंगे। तुम डेली स्कूल जाना, मैं भी कोई जॉब ढूंढ लूंगी, हम शाम को घूमेंगे, रात को साथ में खाना खाएंगे। वाणी की आंखों में इतने ख्वाब देखकर आयुष का दिल पिघल जाता है और वो वाणी की आंखों को चूम लेता है। वाणी एक प्यारी सी स्माइल देकर कहती है, अब हम यहीं रहेंगे ना? आयुष हाँ में सिर हिलाता है। आयुष जब स्कूल जाने के लिए निकलता है तो एक बच्चा पूछता है, मास्टर जी कल कहाँ गए थे, कहीं दिखे नहीं? आयुष हंसते हुए कहता है, कहाँ जाऊंगा, इसी गांव में था, काल केतु के पेड़ के नीचे। इतना सुनते ही आसपास के सारे लोग रुककर आयुष को देखने लगे। एक आदमी चौंकते हुए बोला, भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, आपको पता नहीं है क्या, वहां जो जाता है जिंदा नहीं बचता। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, अब वहां जाने से कुछ नहीं होगा। आयुष की बातें सुनकर धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। पहले तो वो आयुष को ही पागल समझते हैं लेकिन धीरे धीरे उन्हें आयुष की बातों पर यकीन हो जाता है। आयुष स्कूल के रास्ते पर बढ़ ही रहा होता है कि उसे काल केतु का पेड़ नजर आता है। आयुष पेड़ के नजदीक जाकर ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी पत्तियों को छूता है। मुझे नहीं पता ये कैसे किया तुमने, लेकिन तुम्हारे कारण ही मैं अपनी किताब और कटार वापस ला सका, इसके लिए मैं जितना चाहूं शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आयुष पेड़ को थैंक यू बोलता है और एक बड़ी सी राहत की सांस लेता है। तभी आयुष को एक आभास होता है जैसे पेड़ के पीछे छिपकर कोई तो देख रहा है। कौन है, कौन है वहां? आयुष माथे पर सिलवटे डालकर पूछता है। पेड़ के पीछे से दो आंखें नजर आती हैं जो आयुष को छिप छिप कर देख रही होती हैं। आयुष डर से दो कदम पीछे हटता है और पूछता है, कौन है, सामने आओ, क्या चाहिए? तभी लगभग 17-18 साल का एक लड़का पेड़ के पीछे से बढ़कर आगे आता है। आयुष देखता है लड़के के छोटे छोटे बाल हैं, हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच रही होगी, उसके सिर से खून निकल रहा होता है, शरीर पर भी कई घाव हैं, लेकिन लड़का मुस्कुरा रहा है। आयुष देखते ही हैरानी से पूछता है, कौन हो बेटा और इतनी चोट कैसे लगी, यहां क्या कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं आयुष, मैं बस तुम्हें यहां शुक्रिया कहने आया हूं। आयुष चौंकते हुए पूछता है, हाँ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और मुझे क्यों शुक्रिया अदा करने आए, क्या मतलब है तुम्हारा? लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, आयुष तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं लेकिन मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता,
आज मैं तुम्हारे कारण ही मुक्त हो पाया। आयुष को कुछ समझ नहीं आता, कौन है ये लड़का और मैं इसे कैसे मुक्त कर सकता हूँ। आयुष हकलाते हुए पूछता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन हो तुम और तुम मुक्त कैसे हो सकते हो, उसके लिए तो। लड़के ने फिर मुस्कुरा कर कहा, उसके लिए तो मुझे मरना होगा ना, जानता हूं, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं जिंदा नहीं हूं। मैं लगभग 400 साल पहले मर चुका हूं। मैं ही काल केतु हूं और मुझे अभी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। अब आयुष सीरियस हो जाता है और पूछता है, लेकिन किसने तुम्हारा ये हाल किया और तुम पेड़ कैसे बन गए। काल केतु आयुष के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, ये बात है 400 साल पहले की। मैं इसी पेड़ पर झूला झूला करता था, अपने दोस्तों के संग खेला करता था। एक दिन ऐसे ही खेलकर शाम को जब मैं घर गया तो घर से जोरों की आवाज आ रही थी, तो मैं बाहर से छिपकर देखने लगा। मेरे घर में सरपंच आया था, उसके साथ दो उसके गुंडे भी थे और मेरे माँ पिता घुटनों के बल हाथ जोड़े थे। सरपंच ने गुस्से में कहा, कर्जा कब चुकाओगे, 6 महीने होने को हैं और अभी तक तुमने आधा पैसा ही दिया है। पिताजी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरपंच जी माफ करें, 6 महीने होते ही मैं दे दूंगा। कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है और फसल भी अच्छी नहीं हो रही। सरपंच ने फिर गुस्से से कहा, इसी कारण तुम लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए। पहले पैसा दे दो और फिर मांगते रहो। अगर तुमसे पैसे पूरे नहीं हो रहे तो मेरे पास एक दूसरी तरकीब है। पिताजी ने आंखें उठाते हुए कहा, क्या तरकीब सरपंच जी। सरपंच मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा जो खेत है उसे बेच दो, सड़क के किनारे है, दाम भी अच्छा मिलेगा। पिताजी गिड़गिड़ाते हुए बोले, सरपंच जी ऐसा मत कहिए, वो एक ही खेत है हमारे पास, बाप दादा की निशानी है, वो बेच दिया तो क्या मुंह दिखाऊंगा। सरपंच हंसते हुए बोला, हाँ हाँ बड़ी इज्जत है ना तुम्हारी गांव में, जैसे कि जो तुम्हें चिंता हो रही है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, पर तुम्हें ही मरना है तो मैं क्या बोलूं। सरपंच कई बार बोलते बोलते माँ को गंदी नजरों से देख चुका था और माँ अपना तन छिपाने की कोशिश कर रही थी। सरपंच के जाते ही मैं घर गया और माँ से गले लग गया। माँ ने बड़े प्यार से कहा, तू चिंता क्यों करता है, तुम्हारे पिताजी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। गांव में खबर फैली थी कि सरपंच चाहता ही नहीं था कि कोई उसका कर्ज चुकाए ताकि वो उनकी जमीन पर कब्जा कर सके, और खास करके वो पिताजी को तंग किया करता था ताकि वो अपनी जमीन सरपंच को मुफ्त में दे दे। एक रात जब कालकेतु घर में सोया था तब उसने माँ पिताजी की आवाज सुनी और छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। पिताजी कह रहे थे, अब थोड़ा ही कर्ज बाकी है, एक बार मैं वो दे दूं फिर हमें सरपंच से डरने की कोई जरूरत नहीं। काल केतु ने तभी सोच लिया था, मैं बाकी बचे पैसों का इंतजाम करके ही रहूंगा, और मैं सुबह होते ही उन दोस्तों के घर चला गया जो काम करने गांव से बाहर जाते थे। मुझे एक दोस्त ने बताया कि अगर मैं महल में जाकर काम करूंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे मैं सरपंच का कर्ज भी चुका सकता हूँ और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी भी दे सकता हूँ। शाम को जब वो घर गया तो घर की रोशनी बुझी थी। माँ ने अभी तक दिया नहीं जलाया, कालकेतु अंदर जाते हुए बोला, लेकिन अंदर जाकर वो हैरान रह गया। सामने माँ बंद ही पड़ी थी और उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। माँ को ऐसे देखकर कालकेतु चिल्ला पड़ा, माँ माँ क्या हुआ माँ, ऐसी हालत तुम्हारी किसने की। अंधेरे के कारण कालकेतु को और कोई नजर ही नहीं आया,
लेकिन उसने किसी को घर से भागते हुए देखा। काल केतु चिल्लाया भी, लेकिन गांव के अधिकतर लोग मंदिर गए हुए थे। कुल देवी को अपनी फसल चढ़ाने और इसी का फायदा उठाया सरपंच ने। मन ही मन काल केतु समझ गया था, लेकिन उसने सोचा, अब तो इसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारूंगा और इससे पूरे गांव के सामने माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम काल केतु नहीं। अगली सुबह होते ही काल केतु गांव से निकल गया महल की ओर। कई दिन बीते। कोपर गांव में रात को औरतों का निकलना मना हो गया था, क्योंकि कुछ महीनों से ये अफवाह फैली थी कि कोई एक ब्रह्म राक्षस है जो बिना विवाह किए मर गया, जिस कारण उसकी शारीरिक इच्छा पूरी नहीं हुई और वो गांव की हर एक महिला में अपनी दुल्हन देखता है और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। वैसे कालकेतु की माँ मंजू को इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन गांव की अजीबो गरीब कहानी सुन के उसे भी डर लगने लगा था। एक दिन बहुत देर हो गई थी, लेकिन कालकेतु के पिताजी बाजार से वापस नहीं लौटे थे। अपने पति की चिंता में मंजू चौखट पर जाकर राह देखते हुए बोली, ये भी ना कहाँ रह गए, इतना अंधेरा होने को है। तभी मंजू ने देखा कि द्वार पर उसकी भीड़ नहीं है। माँ ने चारों ओर ढूंढा, लेकिन खूंटे को देखने से लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती रस्सी खोली है और घसीट कर ले गया है। मंजू रोते हुए चिल्लाने लगी, अरे किसी ने मेरी धनिया को देखा है क्या? थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे खाने को दिया था, लेकिन अभी कोई चुरा कर ले गया। क्या किसी ने देखा है? हाय राम, अब मैं क्या करूं? तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उसने बताया, अरे काकी, मैंने देखा तुम्हारी भेड़ जंगल की तरफ जा रही थी। एक बार को तो मंजू को विश्वास ही नहीं हुआ कि भेड़ खुद ही गई, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई खींच कर ले गया है। लेकिन अभी ये सोचने का समय नहीं था और वो रोते रोते जंगल की ओर भागी। धनिया, ओ धनिया, किधर है तू? कहां आ गई? मंजू ने आवाज लगाई। अंधेरा हो चुका था, जंगल में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसे गांव वालों की कहानी भी याद आ रही थी कि कैसे ब्रह्म राक्षस अकेली औरत को देखकर फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी भीड़ की भी फिक्र थी। डरते डरते वो जंगल के अंदर चली जा रही थी। बा, बा, बा। धनिया की आवाज आई, जैसे उसने अपने मालिक की आवाज पहचान ली। मंजू दौड़कर आवाज की ओर गई। धनिया एक पेड़ में रस्सी से बंधी थी। मंजू ने राहत की सांस ली और बोली, धनिया तू यहाँ क्या कर रही है? कौन लेकर आया तुझे? चल घर चल। मंजू रस्सी खोलने लगी, तभी पीछे से किसी के होने की आवाज आई। मंजू का गला सूखने लगा। भेड़ भी आवाज करने लगी थी। मंजू ने हिम्मत करके अपनी भेड़ खोली। बिना पीछे देखे वो आगे बढ़ने लगी। तभी उसके कंधे पर किसी का भारी भरकम हाथ महसूस हुआ। मंजू बिना पीछे मुड़े भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कलाई किसी ने जकड़ ली। मंजू बोली, ब्रह्म राक्षस, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। पीछे से एक जोरदार हंसी की आवाज आई। बेवकूफ, तुम्हें लगता है ब्रह्म राक्षस सच में होते हैं? आवाज सुनकर मंजू छटके से पीछे मुड़ी। पीछे अपनी आंखों में गंदी नियत लिए सरपंच खड़ा था। मंजू अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ये सब तुमने किया है? मेरी भेड़ को तुमने चुराया था? तुम्हारी सारी चालाकी मैं समझ गई हूँ। तुम ही गांव की औरतों को परेशान करते हो ना? सरपंच ने मंजू को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और हंसते हुए बोला, सारी औरतों का तो पता नहीं, वो कोई और ही है। मैं तो सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। तुम्हारी जिस्म की खुशबू मुझे मदहोश कर देती है। बस एक रात बिता लो मेरे साथ, तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बस मुझे खुश कर दो।
सरपंच की बात सुनकर मंजू सरपंच को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसके मुंह पर थूक देती है। मंजू का ये व्यवहार देखकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और सरपंच उसके बालों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। मंजू भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके दो गुंडे उसे पकड़कर वापस सरपंच के पास ले आते हैं। मंजू गुस्से से कहती है, सरपंच छोड़ दे मुझे, गांव को पता चला तो तेरी खैर नहीं, सब थू थू करेंगे, जाने दे मुझे। सरपंच हंसते हुए कहता है, गांव वालों को पता चलेगा तब ना, उनको तो लगेगा तुझे ब्रह्म राक्षस ले गया। मंजू अपने हाथ पैर जोरों से पटक रही थी और अपनी रिहाई की भीख मांग रही थी, लेकिन सरपंच एक एक करके उसके कपड़े उतार रहा था। तभी मंजू ने देखा कि एक गुंडे की कमर में एक खंजर है। उसने सरपंच से छूटकर दौड़कर उस खंजर को लिया और सरपंच के गले पर रखते हुए बोली, मुझे जाने दो वरना वरना तुम्हारा सरपंच मरेगा। लेकिन सरपंच डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा। उसके दोनों गुंडे भी मंजू पर हंसने लगे। मंजू को कुछ समझ नहीं आया और वो हैरान होकर तीनों को देखने लगी। सरपंच ने गुंडों को इशारा किया और वो दोनों गुंडे जाकर एक बोरी को घसीटते हुए लेकर आ गए। मंजू ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति शंभू था। वो शंभू के गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी। पीछे से सरपंच ने उसके बालों को घसीटते हुए उसे फिर जमीन पर पटकते हुए कहा, अभी तो ये सिर्फ बेहोश है, अगर तूने मुझे वो खुशी नहीं दी तो इसे मारने में भी कोई देर नहीं करूंगा। मंजू वहां एक मूर्ति की तरह अपने पति को देखती रही और उसे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सरपंच ने उसे बीच जंगल में निर्वस्त्र कर दिया। मंजू रात भर चीखती रही लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आयुष देखता है काल केतु की आंखें भर आई हैं। आयुष ने पूछा, पर तुम्हारी आत्मा यहां कैसे कैद हुई? क्या काल केतु बचा पाएगा अपने माता पिता को? काल केतु सरपंच से बदला कैसे लेगा? आखिर काल केतु को मुक्ति कैसे मिलेगी? जानने के लिए